अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो जिस तरीके से हमने आइस वॉलीज बनाई थी उसी तरह बहुत एक्साइटिंग है। और कल की आइस वॉलीज जो हमने बनाई थी वो आपने मस्ट ट्राई करनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजे की बनी थी। ठीक है, आज हम बना रहे हैं उतनी ही इक्वली एक्साइटिंग रेसिपी। ठीक है, और उसको मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगी। ये आप बाजार से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मिठाई जितनी भी बाजार में मिलती है, वो मैं आपको बता दूं जहां तक मेरी रिसर्च है, वो सब उन सब में मैदा और सूजी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्योंकि आप यूज नहीं कर सकते, तो आप जो है वो बहुत सारी मिठाई की वेरिएशन जो है वो आप घर में बना सकते हैं। बहुत सारी बर्फी, टाइप्स ऑफ बर्फीज आप घर में बना सकते हैं, गुलाब जामुन बना सकते हैं, जलेबी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। हम आहिस्ते आहिस्ते ही सब चीजें बनाएंगे। आज हम जो बना रहे हैं वो है टू टाइप की बर्फी हम बनाएंगे। एक हम बनाएंगे कोकोनट बर्फी और एक हम बनाएंगे चॉकलेट बर्फी। ठीक है, अच्छा, इसके भी बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे सिर्फ दूध को रिड्यूस करके भी बना बनती है, लेकिन आज जो है वो मैं आपको बहुत इंस्टेंट तरीके से बता रही हूँ, जो कि मिल्क पाउडर से बनती है बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप जरूर ट्राई करें। नीडो का मिल्क पाउडर मैं ले रही हूँ, वो ग्लूटेन फ्री है। नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट्स ग्लूटेन फ्री है जिसमें से नीडो एक है, तो आप नीडो को जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और इसका मैं आज इसे मैं चीनी से बना रही हूँ, लेकिन आप इसे कंडेंस मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। आज मैंने कंडेंस मिल्क के साथ इसलिए नहीं बनाई कि मैंने सोचा अगर आपके पास ऐसा ना हो, कंडेंस मिल्क घर में मौजूद ना हो और आप सोचें कि बस ये रेसिपी तो नहीं बन सकती, तो इसलिए हम जो है आज इसे आम जो हमारे पास घर में चीनी होती है हम उसी से इसे बनाएंगे, ताकि आप सब लोग इसे ट्राई कर सके। नीरो बेसिकली हर घर में होता है, बच्चों के लिए हम ला के रखते हैं। तो ये इसमें क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए ये देख लेते हैं हम। मैंने 2 कप्स लिए हैं नीरो के। ठीक है, एक से हम बनाएंगे ये जो हमारी कोकोनट बर्फी है वो, और दूसरे से हम बनाएंगे चॉकलेट बर्फी। ठीक है, और इसमें जाएगी चीनी, वो तकरीबन 1/4 कप ईच जाएगी, लेकिन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जाएगी ये इलायची है, इसको मैंने क्रश करके कूट के रखा हुआ है। ये सिर्फ जो कोकोनट का मिक्सचर होगा ये हमारे उसमें जाएगी, और इसमें जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट, जो हमारा पिसा हुआ नारियल होता है ये जाएगा। ठीक है, ये हम अंदाजे से अपने हिसाब से डाल लेंगे, तकरीबन ये 1 कप के करीब पड़ेगा ये, मेरे ख्याल से मैं सारा डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, और चॉकलेट बर्फी के लिए हमें चाहिए होगा कोको पाउडर। कोको पाउडर सारे ग्लूटेन फ्री नहीं होते, हर्शीज और कैडबरी का कोको पाउडर जो है वो लेबल ग्लूटेन फ्री है, और इसके अलावा जो हमारे ग्लूटेन फ्री जहां से आप लोग फ्लावर्स वगैरह ऑर्डर करते हैं, तकरीबन उन सब के मेन्यू में जो है ये कोको पाउडर भी होता है, तो आप उनसे मंगवा लें। ठीक है, कोको पाउडर है, और इसमें जाएगा आम हमारा ये जो फ्रेश मिल्क होता है, आप फ्रेश का यूज करते हैं या डब्बे का इस्तेमाल करते हैं ऑलपर्स वगैरह का मिल्क पैक, तो आप वो ले लें। ठीक है, ये भी वो 1/4 कप ईच जाएगा दोनों टाइप की बर्फीज में। अच्छा, इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। देसी घी जो है वो भी जो कमर्शियल मिलता है वो ग्लूटेन फ्री नहीं होता यूजुअली। ठीक है, तो इस क्योंकि वो शायद उसके प्रोसेस में जो एंड में है वो फिल्टर करने के लिए वीट का आटा वगैरह यूज करते हैं, तो अक्सर लोग जो है वो उसे घर में बनाते हैं, तो बेस्ट है कि अगर आप घर में बनाते हैं तो उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है, आप अपना देसी घी ले लें बना हुआ। मैं जो है ऑल ऑर्गेनिक का देसी घी यूज कर रही हूँ, ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मैंने काफी इनसे कन्फर्मेशन भी की थी और मैंने इनकी प्रोडक्ट को सेफ पाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिक का देसी घी यूज करूंगी। अगर आपके पास कोई भी घी नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है ऑयल में भी। ठीक है, उसका भी रिजल्ट जो है वो बहुत डिसेंट आता है, तो कोई इतना इश्यू नहीं है उसके अंदर। बाकी हम इसको जिसमें असेंबल करेंगे, मैंने ये 2 पैन्स, एक ये पैन है मेरे पास, इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस करके इस पे बटर पेपर लगा लिया है, और एक जो है वो हम इसमें निकाल लेंगे, इसको भी मैंने घी लगा के प्रिपेयर रखा है, ये नॉन स्टिक है तो इसलिए मैंने इस पे बटर पेपर नहीं लगाया। अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा, ये इसमें मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक की ले लें तो बेहतर है, ताकि इसमें ये फिर स्टिक नहीं करेगा। चूल्हे को हम ऑन कर लेंगे, और इसमें मैं ऐड करूंगी सबसे पहले ये जो हमारा 1/4 कप मिल्क मैंने आपको कहा था, ये हम सबसे पहले
अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ये 1/4 मिल्क जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, ये हम सबसे पहले डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ शुगर, ठीक है, और ये डाल के आप स्पैचुला की मदद से इसको तब तक डिसॉल्व करें। सबसे पहले मैं आपको कोकोनट बर्फी बता रही हूँ, ठीक है, ये हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये चीनी इसके अंदर जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। साथ में ही हम इसमें इलायची भी ऐड कर देते हैं। शुगर को अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लें। अगर आप कंडेंस मिल्क ले रहे हैं तो आप इसमें शुगर की जगह कंडेंस मिल्क डाल दें। कंडेंस मिल्क के साथ अगर हम कोई और बर्फी की वेरिएशंस करेंगे बाद में तो वो फिर मैं आपको कंडेंस मिल्क के साथ भी बता दूंगी, लेकिन आज जो है अगर कंडेंस मिल्क फॉर इंस्टेंस नहीं है आपके पास तो आप इसे चीनी से भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये याद रखें कि ये आपकी अच्छे से चीनी इसमें डिजोल्व होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें इसमें जो दूध में चीनी है ये बिल्कुल परफेक्टली डिजोल्व हो गई है, तो इस स्टेज पे जो है वो हम इसमें घी ऐड करेंगे, ठीक है। ये घी जो है ये तकरीबन आप डालेंगे 1/3 कप के बराबर, ठीक है, ये मैंने इसमें घी डाल दिया। थोड़ी सी देर हम इसको वेट करेंगे कि घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, अब देखिए ये इसमें हल्का से बॉईल आने लगा है, तो अब इसमें मैं अपना ये मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। सारा एक साथ ऐड मत करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, ठीक है, और इसके लम्प्स ना बनने दें। ये देखिए साथ साथ इसे मैं इसका चूल्हा भी थोड़ा सा स्टोव कर दूंगी ताकि ये जले ना, ठीक है। ये देखें, और ये थोड़ा सा रह गया तो हम ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसकी अभी से इतनी मजे की खुशबू आ रही है देसी घी की वजह से, इलायची की, और देखें इसने पैन को अभी से छोड़ दिया है क्योंकि ये बिल्कुल बस इसको बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये बिल्कुल इंस्टेंट सी रेसिपी है कोकोनट बर्फी की। अच्छा, अब जब ये आप देखें कि थोड़ी सी देर आप इसको कुक होने दें ताकि ये मिल्क पाउडर जो है ये अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए फ्रेश मिल्क में, इलायची में और घी में। देखिए नॉन स्टिक पैन का ये फायदा होता है ना कि ये बिल्कुल भी आपका स्टिक नहीं होगा, आपको ये नहीं टेंशन होगी कि ये लग जाएगा या इसका फ्लेवर खराब हो जाएगा। अच्छा, जब ये यहाँ पर हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट बर्फी का, जो कि कोकोनट है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप ही, आप बस 1/4 का स्टैंडर्ड याद कर लें। इसमें मिल्क भी 1/4 कप है, शुगर भी 1/4 कप है और कोकोनट भी अराउंड 1/4 कप है, ठीक है। थोड़ा सा और डालेंगे ताकि कोकोनट का अच्छा सा फ्लेवर आए। अच्छा, ये देखें अब ये तकरीबन बिल्कुल रेडी है, हमें इसे कोई ब्राउन नहीं करना है। सिर्फ आप जब देखें कि इसका घी थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है तो इस पॉइंट पे बस ये रेडी है। अच्छा, अब हम इसको निकाल लेंगे अपने पैन में। अच्छा, देखिए ये मैंने इसमें निकाल लिए, अब आप इसे हल्का हल्का प्रेस कर लें, बहुत थिन भी ना करें, आप हाथों से भी कर सकते हैं, स्पैचुला से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं पूरा शायद इसमें ये यूज नहीं होगी स्पेस इसकी, थोड़ा सा मैं इसे हाथों से भी करूंगी, लेकिन ये गर्म होता है अभी तो आप इसको ये बस स्पेस में रिकवर हो जाएगा। सारी साइड से आप इसे कर लें। बाहर की मिठाई कभी भी यूज ना करें, सब में मैदा सूजी होती है, कोशिश करें कि घर में ही बनाएं। और ये तो अभी हमने इससे मिल्क पाउडर से बनाई है, लेकिन अगर आप इसे मिल्क से बनाएंगे ना तो उसका फ्लेवर तो बिल्कुल ही जो है वो
बाहर की बर्फी की तरह ही आता है वो, फिर मैं आपको बताऊंगी कभी बना के। ठीक है, ये देखें बस ये करके। अच्छा, अब हम दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं। जब तक ठंडी होती रहेगी आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें थोड़ी देर तो क्विक हो जाएगी। अच्छा, ये देखें ये मैंने इसमें डाल के, अब इसमें आप थोड़ा सा, कोई भी आपके पास क्रश नट्स हो, बादाम हो, पिस्ते हो तो वो आप इसमें डाल दें। थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लें आप। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसमें ये जो हमारा पिसा हुआ खोपरा है ये भी मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी। बस ये हमारी रेडी है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा प्रेस अलबत्ता कर दें, वरना फिर ये सारे जो नट्स हैं ये इसके ऊपर से हट जाएंगे। अब आप इसे, मैंने आपको जैसे आपको कहा, आप इसे फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए तो ये क्विक हो जाएगा। अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी मसला नहीं है, थोड़ी देर के बाद आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब हम जल्दी से अपनी दूसरी रेसिपी पे आते हैं जो कि है चॉकलेट बर्फी। सेम ही प्रोसेस है लेकिन उसमें हमने इलायची नहीं डालनी। ठीक है, और ये नट्स वगैरह भी इसमें नहीं जाएंगे। ये चॉकलेट बर्फी है, ये 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है। ठीक है, और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1/4 कप ही शुगर। अगेन हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये अच्छे से चीनी इसमें डिजोल्व हो जाए। अच्छा, अब ये देखिए ये चीनी जो है इसमें ये अच्छे से डिजोल्व हो गई है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जैसे हमने पहले घी ऐड किया था इसी तरह हम इसमें तकरीबन 1/3 कप के करीब घी ऐड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी देर में स्पून इसमें छोड़ूंगी ताकि ये जो एक्सेस घी है ये इसमें से निकल जाए। ठीक है, और हम इसमें थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें पहले। देखिए ये अच्छा से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। ये मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने कोको पाउडर डाला है इसमें। अच्छा, अब अगर आप चाहें ना तो आप उस वाली बर्फी में, आप कोकोनट बर्फी में कोकोनट स्किप कर दें तो आप उसकी लेयर लगा के ये कोकोनट चॉकलेट बर्फी जो है उसके ऊपर डाल के आप डबल फ्लेवर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, वो एक कार्डमम वाली बन जाएगी और एक आपकी ये चॉकलेट की लेयर आ जाएगी। मैं आज दो डिफरेंट बता रही हूँ लेकिन इसमें आप अपने तरीके से अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये जो मिल्क पाउडर है, सारा एक साथ में डालें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करें और मिक्स इसे आप करते रहें। चूल्हा बहुत तेज मत रखें वरना फिर ये नीचे से बर्न हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्स कर चूल्हा और स्लो करूंगी। कुक होने का आप इसे टाइम दें ताकि मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये लास्ट पैच है, ये भी डाल देंगे। ठीक है, इसमें और कोई चीज भी नहीं जाएगी। ये जो चॉकलेट बर्फी है ये बहुत ही सिंपल है इसकी रेसिपी। ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी देर हम इसको टाइम देंगे, मुसलसल आप इसमें स्पून चलाते रहें। अच्छा, अब ये देखिए कि इस मिक्सचर ने बिल्कुल पैन छोड़ दिया है तो बस ये इसकी इंडिकेशन है कि ये रेडी है। अब हम अपना दूसरा, अच्छा अब ये जो है ये हम इसमें निकाल लेंगे जो दूसरा मैंने रेडी किया था। आसानी से देखें बिल्कुल निकल आया है और अब हम इसे उसी तरीके से थोड़ा सा आप इस पे कोई भी आप नट्स वगैरह मत डालें, बस इसे आप प्लेन ही रहने दें। ठीक है, ये करके अब आप इसको दोनों को सेट होने के लिए छोड़ दें फ्रिज के अंदर फॉर लाइक
15 to 20 minutes, और फिर आप इसे कट कर सकते हैं। इवन ये वाली जो ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी भी है, तो मैं आप इसको थोड़ा सा कट करके बता भी देती हूँ। स्लिट्स आप इसमें लगा लें भले, ठीक है। ये देखें, निकाल के फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी। क्वांटिटी आपकी मर्जी है, आप ज्यादा बनाना चाहें तो इंक्रीज कर लें। इक्वल साइज के स्क्वायर्स काट लें, ठीक है। अब इसको मैं दोनों को फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए, और फिर हम आपको इसे सर्व करेंगे।